मैं स्वयं कर रहा हूँ। हमारे सम्मानीय अतिथि के रूप में आचार्य महाश्रमण छात्रवास स्वच्छता समिति का अध्यक्ष श्री मानचंद जी भूचा, हमारे सम्मानीय अतिथि के रूप में तेरापन सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं मनोवर समिति के संरक्षक सम्मानीय मदन सिंह जी दुदौरिया, अनुवर समिति के सलाहकार श्री रेखाराम जी गोदारा के साथ साथ मैं अब आगाज करने के लिए आमंत्रित करूंगा अनुवर्त महिला टीम से कि वो मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करें। अनुवर्त महिला टीम हमारा पावन मोरी दय हमारा तुलसी हमारे संरक्षक भी उपस्थित हैं, चातुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, महिला टीम भी उपस्थित है। मुनिश्री मैं एक आगाज कर रहा हूँ आज कि मई के अवसर पर हम दो बड़े कार्यक्रम अनुवर समिति छापर करेगी। एक नशा मुक्ति सम्मेलन जिसमें हजारों की उपस्थिति हो, सभी वर्ग के लोग होंगे, छात्र छात्राएँ होंगी। चातुर्मास के पूर्व हम दो ऐसे कार्यक्रम करेंगे पूरे नगर के लिए, एक सर्वधर्म सम्मेलन और एक नशा मुक्ति का। और मैं ऐसे ये कार्यक्रम आयोजित करके अपने अनुवर्त समिति की कार्यशैली के बारे में भी, ताकि सभी लोग जाने कि कितने कार्यक्रम में, और उसके लिए मैं अभी से
मैं इस कार्यक्रम में एक मिनट का समय लूंगा। अभी से हमने एक टीम गठित कर दी है, श्री चेतन जी दाइमा नशा मुक्ति सम्मेलन के संयोजक होंगे और उनके साथ श्री सुनील जी तवर, सुश्री मनीषा देव, सुश्री सुजना नाटा और इसके साथ साथ हमारे लेखाराम जी गोदारा, शुभकर जी प्रजापत, मैं स्वयं भाई विनोद डाटा मंत्री और इनके साथ साथ हमारी महिला टीम से स्रोत बंसाली, कंचन मानू, शोभा जोशी, सपना बेग, हेमलता दुदोरिया, ये समिति के सदस्य होगी जो प्रत्येक स्कूलों में जाकर के विद्यार्थियों को अनुवाद के बारे में जानकारी देगी, नशा मुक्ति के बारे में देगी और साथ साथ में सभी विद्यालय के लोग जो छापर की 20 विद्यालय हैं, सभी विद्यालय के हजारों छात्र उनकी उपस्थिति होगी, सभी छात्र की सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की उस कार्यक्रम में उपस्थिति होगी और इसके साथ ही हम जो सर्वधर्म सम्मेलन है उसकी टीम की घोषणा बाद में करेंगे क्योंकि उसमें सभी धर्मों के लोगों को हम सम्मिलित करेंगे और मैं निवेदन करूंगा अनुवर समिति के मंत्री विनोद टाटा से आगे की कार्यवाही करना। आगे बढ़ाते हुए एक गीत पेश करेगी सपना देवी। अनुशासन की बल पर जो बदले युग की धारा, अणुवत संदेश हमारा, अणुवत संदेश हमारा, गुरु तुलसी के महाबोध को जन जन ने स्वीकारा, अणुवत संदेश हमारा। जब सारी दुनिया कांप रही आतंकवाद के आगे, आतंकवाद के आगे, जब सारी दुनिया कांप रही आतंकवाद के आगे, अल्पवाद से टूट रही मानवता की धागे, मानवता की धागे, हे विश्व शांति का बोध हमें तोड़ी हिंसा की आगे, अणुवत संदेश हमारा, अणुवत संदेश हमारा, संयम अनुशासन की बल पर जो बदले युग की धारा, अणुवत संदेश हमारा, अणुवत संदेश हमारा। जय हो। आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है जहां सन 1950 संवत 2005 में इस अणुवत का उद्गम और विचार आचार्य श्री तुलसी गणी के चिंतन में आया और 1 मार्च 1949 को सरदार शहर में इसकी घोषणा हुई। तो ये वापिस 74वें वर्ष में अणुवत प्रवेश कर रहा है और अपने 74 वर्ष बाद ये चतुर्मास होने जा रहा है। तो आज के दिन से अणुवत समिति की तरफ से भी ये वर्ष या ये 1 मार्च के दिन से इस आगामी चतुर्मास के लिए ये निगुल बजेगा और अणु समिति तत्परता से और निष्ठा से काम करेगी, ऐसा आशा और विश्वास रहेगा। कार्यक्रम से आगे बढ़ाते हुए कविता के लिए श्रीमती स्रोत देवी बन सकते। अनुव्रत के हे महादेवता, अनुव्रत के हे महादेवता, भारत की महाज्योति, भारत की महाज्योति, श्री तुल्य तुला से तुल नहीं पाए, श्री तुला से तुल नहीं पाए, तुला राशि के तुलसी, तुला राशि के तुलसी, जय जय श्री तुलसी, जय जय श्री तुलसी। अनुव्रत के इस महाजात से, अनुव्रत के इस महाजात से जीवन को चमकाए, अनुव्रत को अपनाए, अनुव्रत को अपनाए, छोटे छोटे नियम आत्महित, छोटे छोटे नियम आत्महित,
अपनाओ सब भाई, नैतिकता की अलग जगाओ, पाओ पटकी खाई, पाओ भटकी साई। मत खोदो खाई नफरत की, मत खोदो खाई नफरत की, बंधन तोड़ गिराए, अनुव्रत को अपनाए, अनुव्रत को अपनाए। भौतिकता में डूब रहे हैं, भौतिकता में डूब रहे हैं, नहीं सदी के राही, धोखा देकर नैतिकता पर पोत रहे हैं स्याही, पोत रहे हैं स्याही। अनुव्रत अनुव्रत दर्शन पढ़कर अपने, अनुव्रत दर्शन पढ़कर अपने जीवन को महकाए, अनुव्रत को अपनाए, अनुव्रत को अपनाए। अनुव्रत से तस्वीर बनाओ, अनुव्रत से तस्वीर बनाओ, सदा देश की उजली, सदा देश की उजली, क्रोध कपट और भेदभाव से आज बनी जो धुंधली, आज बनी जो धुंधली। आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता के सूत्रों से नई चेतना पाए, अनुव्रत को अपनाए, अनुव्रत को अपनाए। वसंत और फैशन में, वसंत और फैशन में मानव भूल रहा है प्रभु को, मिथ्य तृष्णा में भटक रहा है मुख्यवान वस्तु को, मुख्यवान वस्तु को। तुलसी तुलसी अनुमय अनुव्रतमय हो जीवन, सांस सांस ये गाए, जय जय श्री तुलसी, जय जय श्री तुलसी। सम्मानीय अतिथि के रूप में हमारे बीच पहुंच चुकी है केरा पंत महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी सुरैना, और इसी कड़ी में पूर्व अध्यक्षा श्रीमती प्रेम नाहटा आज हमारे सम्मानीय अतिथि के रूप में है। हमने सरोदेवी बंसाली की ओजस्वी में किताब की कविता सुनी। ये बिना क्या जाना है, कम से कम तेरे नियम करो, ये मानवता का बाना है। ये अनुव्रत के जो तेरे नियम हैं, इसी के ऊपर पूर्ण अनुव्रत का ये गीत कह दो, ये वाक्य कह दो, ये नियम कह दो, ये सब संजोए हुए हैं। अब मैं आगे आमंत्रित करता हूँ कविता के लिए सुविधा नाटक। अनुव्रति हम अनुव्रति महाश्रमण की महाप्रज्ञ की तुलसी जी की कलाकृति। अनुव्रति हम अनुव्रति सभी साथ में बोलेंगे। अनुव्रति हम अनुव्रति महाश्रमण जी महाप्रज्ञ जी तुलसी जी की कलाकृति। अनुव्रति हम अनुव्रति जाति धर्म भाषा व लिंग का भेद मिटाते अनुव्रति। मानव को मानव के ओर निकट पहुँचाते अनुव्रति। छोटे छोटे संकल्पों से बड़े काम करने वाले, सहज भाव से प्राणी मात्र की पीड़ाएं हरने वाले। सपने में भी पहुंचाते हम नहीं किसी को कभी क्षति। अनुव्रति हम अनुव्रति अनुव्रति हम अनुव्रति महाश्रमण जी महाप्रज्ञ जी तुलसी जी की कलाकृति। अनुव्रति हम अनुव्रति विश्व शांति सस्त्रीकरण सद्भाव अहिंसा के साधक। प्रेम दया करुणा ममता वात्सल्य क्षमा के आराधक। नशा भ्रूण हत्या पानी के अपव्यय से बचने वाले। कर्म योग द्वारा धरती पर स्वयं स्वर्ग रचने वाले। संकल्पित है शुद्ध आचरण पर्यावरण सुरक्षा के प्रति।
अणुव्रति हम अणुव्रति महाश्रवण जी महाप्रज्ञ जी तुलसी जी की कलाकृति। अणुव्रति हम अणुव्रति। ओम के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रेखाराम जी गोदारा नशा विषय के ऊपर अपने पर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित चरित्रात्माओं के चरणों में बारंबार वंदन। उपस्थित श्रावक समाज अनुवर समिति के पदाधिकारीगण, आज के समारोह के अध्यक्षता कर रहे अनुवर समिति अध्यक्ष प्रदीप जी राणा साहब, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज से 74 वर्ष पहले या यूं कहें 73 वर्ष चौहत्तरवां लग रहा है, यहाँ पे अनुवर्त के चिंतन हुआ, विचार हुआ, बीज का अंकुरण हुआ छापर के धरती से, अष्टमाचार्य कालूमणि की धरती से। लेकिन सरदार में शहर में जाकर उसको मूर्त रूप दिया गया। अनुवर्त आंदोलन संपूर्ण विश्व के लिए और समाज के लिए एक परिदृश्य बदलने वाला है, जिसकी वजह से यदि अनुवर्त के 11 नियमों को कोई भी व्यक्ति अपने ईमानदारी से उनको अपना ले, तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, वो आध्यात्मिक नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़ा संपन्न व्यक्तित्व तो हो सकता है। और इन 11 नियमों में ही एक नशा मुक्ति का नियम है। इन 11 नियमों को प्रत्येक यदि अनुवर्त का सदस्य है तो इनका जानकारी भी होनी चाहिए, और वो सारे के सारे नियम है, वो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में काम लाने वाली चीजें हैं और सब पर लागू है। समाज के जितने भी भाग है, जिसमें चाहे राजनीतिक हो, चाहे मतदाता हो, शिक्षक हो, अध्यापक हो, अभिभावक हो, और ये पर्यावरण का शुद्धिकरण हो। अभी वर्तमान में तो अहिंसा यात्रा चल रही है आचार्य महाश्रवण जी की, उनके अंदर जो तीन उनके मौलिक रूप से जो संदेश है, जिसमें सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, जिसके बारे में अभी विनोद जी ने बताया, नशा नाश का द्वार है और नशे से व्यक्ति का जीवन है वो बिगड़ सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, घर में कलह हो सकती है। नशा एक प्रकार का नहीं है, नशे के अंदर विभिन्न प्रकार के, जैसे शराब भी नशा है, तंबाकू भी का सेवन करना भी नशा है, तो अन्य जो गांजा भांग, यदि किसी भी व्यसन के, दुर्व्यसन के यदि व्यक्ति वश में हो जाता है तो वह व्यक्ति नशे का आदि माना जाता है और उसके हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए, जिससे उसका परिवार भी सुख संपन्न से रहे और वह खुद स्वयं स्वस्थ रहे। इसी के साथ ओम भरम। छापर के अनुवर समिति से जुड़े हुए स्थानीय कवि जो अपनी समाज सेवा के साथ साथ इस कवि के रूप में भी प्रख्यात हैं, हर विषय के ऊपर स्वच्छ रूप से बोलते हैं, माननीय श्री धन्नाराम जी प्रधान श्री के चरणों में सादर प्रणाम। ये नशा अभियान बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
नशा जो लोग करते हैं वो यहाँ पर कोई नहीं है। अपन जितने बैठे हैं सब नशे से दूर है। तो ये अभी मैं अभियान मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं उनके पास मोहल्ले में ऐसा कार्यक्रम हो तो उनको जानकारी मिले, उनको समझाया जा सके और वो नशा छोड़ सके। मगर ये बातें नशा करने वालों तक पहुंच नहीं पाती है और हम भी उन लोगों के पास तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, वो सब ज़्यादा नशा करते हैं, तो उनके मोहल्ले में ऐसा कार्यक्रम हो, उनको बुलाया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई तुम लोग जितना पैसा और जितना समय इस नशे में खर्च करते हो उतनी यदि तुम्हारे बचत हो और इसका तुम इन पैसों का सदुपयोग करो, उन पैसों को तो अपने घर में बरतो, उनको ये समझाया जाए कि भाई एक दिन में तुम कितना नशा कर लेते हो, एक महीने का हिसाब कितना पड़ता है, एक साल में ये कितना हो जाता है, तो इतनी बचत तुम्हारे घर में हो सकती है, तुम किसका सदुपयोग कर सकते हो, तो बहुत अच्छा रहता है। मगर ये बातें उन तक नहीं पहुंच पाती और वो लोग यहाँ नहीं आ पाते और हम वहाँ तक पहुँचे, ऐसे मोहल्लों में जाए और सबसे ज़्यादा नशा मजदूर वर्ग के किसान वर्ग के लोग ही करते हैं और बहुत नशा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बीड़ी सिगरेट पीना सीख गए हैं। हमारे मुक्तिधाम के पास में वो क्या एक है शराब का ठेका है, तो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत लोग आते हैं और पहले तो लोग शाम को शाम ही पिया करते थे मगर आजकल लोग पूरे दिन वो दुकानदारी चलती रहती है। और जो घर में जो लोग आने में असमर्थ है, बुजुर्ग हो गए हैं, वो बच्चों से मंगवाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेरी लगाते हैं। महाराज जी ठेले में लेकर के शराब के कौओं की फेरी लगाते हैं और जो लोग ठेके तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके घरों में वो लोग लेके आते हैं। और जब एक आदमी को मैंने ऐसे देखा कि वो टेम्पू वाला था और उसने इतनी पी कि वो टेम्पू उससे वो चला नहीं पाया और ऐसी जगह पर उसका टेम्पू रुक गया कि जहाँ पर सड़क पतली थी। चेतोड़ाई तलाई के पास में शिवालय के बीच में मुक्तिधाम के बीच में पतली सड़क है, एक ही गाड़ी निकल सकती है, वहां पर उसका टेम्पो जो है रुक गया और वो यूं आने लग गया। तो मैंने किसी प्रकार से उसके भाई का फोन नंबर दबाड़ा और उसको फोन किया तो भाई का क्या जवाब मिला, भाई का जवाब मिला कि दंजिया रहने दो, ये तो 365 दिन का काम है, हम क्या संभालें, उनको कहां कहां से लाएं, क्या करें। अच्छा ये बात शाम की है और सुबह सुबह होते होते ही जब शराब का ठेका नहीं मिला और टेम्पू वाला ठेके के सामने मिला तो उसका वहां पर उसको शराब नहीं मिली तो उसके घर चला गया, घर से भी। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कार्यक्रम उनके मोहल्लों में हो तब उनके पास ये बातें पहुंचे। शराब कहे सुन शराबिया, शराब कहे सुन शराबिया, तू क्या पीवे मोय, चेतो करके देख जरा मैं पी रही हूं तोय, शराब पी रही है। तन मन धन सब कुछ पिया, अरे पी गई मान सम्मान, पीती पीती पी गई अंत पीऊंगी प्राण, अंत पीऊंगी प्राण। तो कई लोग जो है नशा पता करने वाले ये भी मानते हैं कि भाई तुम्हारी बात हम तो नहीं मानेंगे, वो कहते हैं यार इसको छोड़ो तुम्हारे कितना फायदा होगा, तुम शरीर से कितने दुबले पतले हो गए हो, तुम्हारे शरीर में कितनी बीमारियां लग चुकी है। तो कई लोगों का कहना है कि हम ये घर परिवार ही छोड़ सकें खुद घर की नार, दारू चिलमा नहीं छोड़ांगा, चाहे पड़े गदीड़ा मार, इस प्रकार की बातें भी लोग करते हैं और कुछ लोग मानते भी है मगर उनके मोहल्लों में हो। और मानव में मानवता आजकल बहुत कम रह गई है, इसलिए यदि
खारापणों लोण से निकले, खारापणों लोण से निकले, मीठापण चीनी से काटो, और सूर उजालो तेज अगन से, नीर कूप से रेजा खाटो, नजर नैन से प्रेम सेन से, बिना बेल जू खाली गाडो, अरे धन्ना मानव से मानवता, निकलया कोजो पापी पड़ो, निकलया मोरो पापी पड़ो। ये सब आज जाओ निकल जा तो कई लोग मेघ भक्षण नहीं करे, आदमी ने खाली रोटी कपड़ा मकान सुन की ज्यादा जरूरत है, और खान पान एक तो बिगड़ गयो, आपने छापर कमाए ने मीट की कती दुकाना है, बहुत ज्यादा दुकाना है। तो आदमी को खान पान जो को है सात्विक है, मगर बिल्ली कुत्ता शेर भेड़िया खान पान मीट कौन खान वालों है, इनकी पहचान बताई हो कि बिल्ली कुत्ता शेर भेड़िया तीखा नाखून दंत है, देखो जगह का तीखा नाखून भी है, दांत भी तीखा है, बेमांस भक्षण का अधिकारी है। बिल्ली कुत्ता शेर भेड़िया तीखा नाखून दंत है देखो, और लिख लिख पानी पीवत है वे रेण अंधेरो दिन सो देखो, जेको मांस भक्षी जानवर है वो लिख लिख पानी पीवे, और रात ने दिन दिन में दिखे जिसो दिखे, लिख लिख पानी पीवत है वे रेण अंधेरो दिन सो देखो, मांसाहारी के ए लक्षण है मानव इनसे दूर है देखो, जो कोई करे मांस भक्षण तो इन उनमें क्या अंतर देखो। यदि पशुआ में शेर भेड़िया बिल्ली में और विभिन्न खानों में क्या अंतर है, इसी के साथ ओम आराम। समय का अतिक्रमण हो रहा है, 10 से 15 मिनट पूरा समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो आपसे निवेदन है जो 10:30 बजे प्रोग्राम शेष था उसको आप करीब 10:40 होने के अंत तक स्वीकृति दें, और मैं अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष होने के नाते खुद अपने समय का विसर्जन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक कविता थी, कोई और अवसर पर कहूँगा। तो मैं अब हमारे सम्माननीय अतिथि हैं जो आशीर्वाद देने के लिए, मैं निवेदन करूँगा 13 पंचसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्ष समिति के संरक्षक सम्मान्य मंगल सिंह जी दुधोरिया को, और इससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा अभी अनुवर समिति अपनी तैयारियों के लिए ड्रेस कोड के लिए हमने 3 व्यक्तियों के से निवेदन कर रहे थे, उस समय मगन सिंह जी की सह अध्यक्षता देखी कि पूरा खर्चा मेरी ओर से है, आप मेरे अकेले से ये कार्य करें, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और महिला टीम को एक और निवेदन है कि आप अच्छे से बेच अनुवर समिति के कृपया अपने 100 बेच अभी से अपनी तैयारी हो जाएगी, छात्र मार्च की 100 बेच छात्र के सिलेक्ट करके अच्छे से अच्छे वो करें, अनुवर समिति महिला टीम वो पुरुषों के लेडीज के ही बेच होंगे। और अब मेरा निवेदन श्री मगन सिंह जी, कहना हिलमिल रहना सिखाता है अनुवर, सहना कहना हिलमिल रहना सिखाता है अनुवर, चलना फिरना उठना बैठना सिखाता है अनुवर, सोचना समझना सत्य को खोजना सिखाता है अनुवर, व्यर्थ के फसाद से बचकर जीना सिखाता है अनुवर, श्वासों की पकड़ और इस छोर से उस छोर सहज पहुंचना सिखाता है अनुवर, संयम की कारा में मर्यादा की धारा में छोटे छोटे संकल्पों से लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाता है अनुवर, जीवन के अवरोधों से कैसे पाए पार, बिना उठाए हथियार बिना माने हार बिना ठाने रार, ऐसा मेरी का देवभार ऐसे दिव्य पथ पर चलना सिखाता है अनुवर। ओमर देव के श्री चरणों में कोटि से वंदन, सापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराजी स्वामी के श्री चरणों में भावरा वंदन, एवं सहयोगी मुनि वृंदों के चरणों में वंदन। आज यहाँ पर अनुवर समिति का स्थापना दिवस के रूप में यह आयोजन रखा गया है, और ये अनुवर की देन है गुरुदेव आचार्य तुलसी, जो पूर्व वक्ताओं ने बताया है 73 साल पहले शुरू हुआ था, और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत मिशन चला करके अपना बहुत श्रम इसमें नियोजन किया था,
और उनको काफ़ी सफलता भी मिली थी। और आज स्थिति यह है कि भारतवर्ष के कोने कोने में हर क्षेत्र में अनुव्रत समिति की शाखा है और अनुव्रत का काम बहुत ही बढ़ चढ़ कर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। इसके लिए मैं हृदय तुलसी के प्रति कृतज्ञता करता हूँ। अनुव्रत के बारे में पूर्व वक्ताओं ने कुछ कहा है और हम लोग सुनेंगे मुनि श्री को। आज यहाँ पर जो कुछ एक दो मुख्य बातें हैं वो कहना चाहूँगा मैं कि जैसे श्रीमान रेखाराम जी ने बताया कि व्यक्ति 11 नियम अपना करके स्वस्थ रह सकता है, व्यक्ति स्वस्थ रहे। लेकिन आज यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा समाज कैसे स्वस्थ रहे और समाज की संस्थाएं कैसे स्वस्थ रहे। और समाज की संस्थाएं तभी स्वस्थ रह सकती है और तभी संस्थाओं का सुचारू रूप से कार्य चल सकता है कि नेतृत्व की मति नीति और नियत सफा रहे। और नेतृत्व है पूरे कार्यकर्ताओं को एकजुट रख करके एक सूत्र में बांध करके कार्य करे और आगे बढ़े, तो उस नेतृत्व को सफल होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि उस नेतृत्व को सफल होने से रोक सकेगी। ये आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। भाई प्रदीप सुराणा आज अनुवाद समिति का अध्यक्ष है और अपने नेतृत्व में जी ज्ञान से कार्य करता है और सफलता भी मिलती है। सफलता प्रदीप को नहीं मिलती है, सफलता मिलती है प्रदीप के सारे कार्यकर्ताओं को। वो नेतृत्व है, क्षमता है प्रदीप में कि सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट रख करके एक सूत्र में बांध करके अपने कार्य को आयाम देता है और कार्य को सफल बनाता है। तो मैं साधुवाद देता हूँ भाई प्रदीप को और मैं इस अवसर पर अधिक समय नहीं लूँगा। भाई प्रदीप ऐसे ही जैसे अभी प्रदीप ने बताया कि चातुर्मास से पूर्व दो कार्य बड़े रूप में संपन्न करेंगे, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं कामना करता हूँ इसी तरह प्रदीप अपनी अध्यक्षता में अनुवृत्त के कार्यक्रमों को अंजाम देता रहे और भाई प्रदीप के साथ मेरी शुभकामना हमेशा साथ रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको विनती है कि चतुर्मास 2022 गुरुदेव का होने जा रहा है। चतुर्मास व्यवस्था समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान माणिकचंद्र जी, आराध्य को नमन। यहाँ विराजित अपर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सहवर्ती संतों को मेरा भाव भरा वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहन, अनुव्रत छोटे छोटे संकल्पों से अपने जीवन का सुधार, जीवन का उत्थान कैसे कर सकते हैं इसकी परिकल्पना आज से 73-74 वर्ष पूर्व, वैसे इसकी पृष्ठभूमि छापर में ही बनी थी, इस बात का सौभाग्य हम छापरवासियों को है। आचार्य तुलसी ने कड़ी मेहनत करके इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और आज ये एक वट वृक्ष का रूप ले रखा है और सारे भारतवर्ष में दुनिया में भी इसका अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों का इनके प्रति अनुव्रत के प्रति काफ़ी रुझान है। आगामी चतुर्मास एवं गुरुदेव को अपने क्या भेंट दे सकते हैं इसके स्वरूप में दो बातों का चिंतन किया गया है प्रवास व्यवस्था समिति के अंतर्गत। पहला चिंतन आचार्य कालूगणी की माला, परम पूज्य कालूगणी की माला छापरवासी अत्यधिक संख्या के अंदर में फेरे, इसका व्यवस्थाओं की दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए प्रवास व्यवस्था समिति के साथ महिला मंडल और तेयुग को जोड़ करके इस काम को आगे बढ़ाया गया है। मेरी ये सोच है, कहने का मतलब हमारी ये सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लिखित संकल्प लिया जाए और उनकी कॉपी जो है वो गुरुदेव को भेंट की जाए।
इसी तरह दूसरा प्रकरण नशा मुक्ति का चतुर्मास व्यवस्था समिति ने अपने मीटिंग के अंदर में कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात का चिंतन किया है कि नशा मुक्ति के ऊपर में विशेष ध्यान दिया जाए और संकल्प पत्र के रूप में अपने सीमित तो रख रहे हैं छापरवासियों तक ही, जैन अजैन जो भी हों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर में नशा मुक्ति का फॉर्म भरवाने एवं उसकी संकल्प पत्रों की जो संकलन जितना इकट्ठा किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जब गुरुदेव चतुर्मास करने के लिए यहाँ पर आए तो हम गुरुदेव को उन संकल्प पत्रों को भेंट करें। मेरे ख्याल से गुरुदेव इन्हीं बातों से ज़्यादा प्रसन्न होंगे और गुरुदेव की प्रसन्नता, गुरुदेव की इंगित को आराधना हम लोगों का पहला धर्म है। मैं यह चाहूँगा कि अनुव्रत समिति प्रवास व्यवस्था समिति के साथ मिलकर के इस काम को जिस रूप में भी अंजाम देने का चिंतन हो बैठ करके बातचीत करें और उसको आगे बढ़ाएं। मुनिश्री अनुव्रत के कार्यक्रमों के अंदर पूरा अपना मनोयोग से हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और भाई प्रदीप और उसकी पूरी टीम छापर अनुव्रत समिति को आगे बढ़ाने के अंदर में बराबर काम में लगी हुई है, प्रयास कर रही है और हमें प्रदीप के कामों की बहुत आवश्यकता है चतुर्मास के समय में। इसलिए जिन बातों पर अनुव्रत समिति चिंतन कर रही है चतुर्मास व्यवस्था समिति के साथ बैठ करके, उन कामों को और अधिक अंजाम कैसे दिया जा सकता है। मैं एक बात और बात कहूँगा, जैसा भाई धनराज जी प्रजापत ने कहा, हम लोग जो नशा नहीं कर रहे हैं उनको यदि संकल्प पत्र भरा कर करके बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। बड़ा काम तब होगा जब कोई नशा करने वाले को हम अपने छुड़वा कर करके नशा मुक्त बनवाएंगे। उसमें अपने क्या प्रयास कर सकते हैं इसके अंदर में अपने को प्रयास करना चाहिए, सबको मिल के करना चाहिए। अनुव्रत समिति के अध्यक्ष को मैं विशेष करके कहना चाहूँगा कि इस बात पर विशेष ध्यान दें एवं आगे आने वाले चतुर्मास के अंदर में इस निष्पत्ति को अपने कैसे जोड़ सकते हैं इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। नंदा जी कुछ विलम्ब से आए थे तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें विद्यार्थियों में हर जगह जाकर के नशा मुक्ति के सम्मेलन हमने अभी घोषणा की थी कि मई महीने में दो बड़े कार्यक्रम हमारे होंगे, उसमें एक नशा मुक्ति सम्मेलन जिसमें हम चाहते हैं कि करीब 1500 से 2000 की उपस्थिति होगी प्रति स्तर पर, और एक मेरी सोच है कि विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों से हम नशा मुक्ति के फॉर्म भरवाएं, उन्हें प्रेरणा दें तो सबसे बड़ी हमारी कमेटी भी होती है, बिहार विद्यालय में एक SDMC की कमेटी होती है, वहाँ छात्रों में अगर शुरू से ये नशा मुक्ति की प्रेरणा होकर के अगर वो होगी तो निश्चित रूप से वो उपयोग सिद्ध होगी, शिक्षकों में होगी। और इसके लिए हमारे मुनिश्री पृथ्वीराज जी हमारे अनेक बार अनेक स्कूलों में गए हैं और इस बार हमने सोचा कि एक साथ स्कूलों के लोगों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को और हर सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों को बुलाकर नशा मुक्ति जहाँ तक हमारे अध्यक्ष मोदी ने कहा था फॉर्म का, मैं आपको बता दूं जब स्कूलों में जाएंगे शिक्षकों के और छात्रों के फॉर्म के साथ साथ मोहल्लों के फॉर्म भी भरवाए जाएंगे और उसमें हम उनको प्रेरणा उसी रूप में निश्चित रूप से देंगे। नशा मुक्ति का हम जब गुरुदेव पधारेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास निश्चित रूप से हजारों की संख्या में वो फॉर्म होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ मेरा निवेदन मुनिश्री कोमल कुमार जी से। अनुव्रत दिवस कालगेट के रूप में मनाया जा रहा है। हमको सोच
अनुग्रह जीवन निर्माता व्रत यानी संतर्क। जीवन निर्माण के लिए छोटे छोटे व्रत बहुत आवश्यक होता है। हर व्यक्ति जन्म से लेकर अंतिम स्थिति तक वो भी अपने जीवन में व्रत का ग्रहण कर सकता है, व्रत ले सकता है। जब तक जीवन में व्रत नहीं आता उसका जीवन जीवन नहीं होता। इसलिए गुरुदेव तुलसी ने बहुत सोच समझकर अनुव्रत का निर्माण और अनुव्रत का निर्माण देखते हैं राजस्थान में तो बहुत कम है। हम अभी यात्रा में अनेक अनेक क्षेत्रों में जो अनुव्रत का प्रभाव अनुव्रत के नियम अपने आप पे अंगीकार कर रहे हैं तो वो नहीं उनके पूरे परिवार में अनुव्रत एक छोटी सी घटना हो। हम अभी यात्रा आंध्र प्रदेश में थे, वहां का एक परिवार था और परिवार में कोई नारा गांव था। वहां एक मोहन भाई था, वो अपने बच्चे के साथ समुद्र पर घूमने गया और वहां पर जहां घूमते हैं वहां पर अनेक अनेक भेड़िया भी होती है, खाने पीने की वस्तु भी होती है। तो मोहन अपने बच्चों के लिए एक मूंगफली की लड़ी पर मूंगफली खरीदी, बच्चों को दी और बच्चे भाई बहन थे दोनों खाने लगे और वापस घर जाने के लिए उसको पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला तो पैकेट नहीं था, पर्स नहीं था और पर्स नहीं होने के कारण अब सोचता क्या करें, बच्चे भूखे तो खा रहे हैं पर तो पैसे नहीं। संजोग से उस लेडी वाले को कहा देख भाई पैसे देने पर मेरी जेब का पर्स घर पर ही भूल गया। उसने कहा कोई बात नहीं पैसा कर दे, पैसा कर दे देना। वो बच्चे को लेकर अपने घर गया और घर वापस आया पैसे देने के लिए, परंतु वो लेडी वाला मिला नहीं। काफी दिनों तक वो आता रहा परंतु बिना नहीं, संजोग उसको अमेरिकन जाना पड़ा कोई काम के कारण और वहां से भी संपर्क करता है कि वो मिल जाए परंतु बिना नहीं। उसके मन में कर्जा था कि मुझे कैसे देने हैं, वो कर्जे के कारण वो बार बार देखता रहता परंतु वो मिलता नहीं। वहां का विधायक था, विधायक से संपर्क किया उसका फोन, ये आदमी कहां है उसको मुझे पैसा दे। अनेकों बार वो गोपी वार आंध्र प्रदेश में आया परंतु वो बिना थी। संजोग से व्हाट्सएप द्वारा फोटो करते करते कम से कम 11 वर्ष बीत गए परंतु संपर्क नहीं मिला। संजोग से उसकी मृत्यु हो गई और उसका पता चला कि वो दोनों आदमी मर गया है। उसके परिवार जिसने जो मुंगफली खाई थी 25 रुपए की थी वो 11 वर्ष बाद में उसको 25,000 रुपए दे दिए, मेरा तुम्हारा कर्जा था माथे पर दिए 25,000 रुपए, 25 रुपए की मुंगफली का कर्जा उसने दिया कि वो अनुव्रत था। जो अनुव्रत उसके नियम में था वो अपने नियम को कभी तोड़ा नहीं। भाई एक अनुव्रत एक ऐसा माध्यम है कि जो व्यक्ति अनुव्रत के द्वारा संकल्प के द्वारा जो चाहे जो कर सकता है। उसे संकल्प था कि मुझे किसी का पैसा एक पैसा भी हड़पना नहीं। उसने खोजते खोजते कितने रुपए खर्च हो गए फिर भी उसका जो ऊर्जा नहीं। तो अपन अनुव्रत जो संकल्प अपने जीवन में अपनाए और कहते हैं नशे की बात, नशे तो व्यक्ति कोई खास बात नहीं, हर व्यक्ति को नशा होता है, अपन को भी नशा होता है खाने का और नशे के साथ जो आदि हो जाता है कि मुझे ये नशा करना है
बने खाने में आगे की मुझे ये रोटी चाहिए वो भी नशा है ना। तो गुरुदेव तुलसी ने तो यहां तक कहा कि नशा जो अपने आप को खराब करता है, जो आगे हो जाता है उसको छोड़ना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। तो मेरी छोटी सी कविता गुरु तुलसी को करे पढ़ो, गुरु तुलसी को करे पढ़ा हो रहा है अनुव्रत का, गुरु तुलसी को करे प्रणाम हो रहा है अनुव्रत का। पल पल में सजग रहते, पल पल में सजग रहते, सबके सिर पर हाथ धरते, पल पल में सजग रहते, सबके सिर पर हाथ धरते, आगे से आगे को अनुव्रत का काम गुरु तुलसी को करे प्रणाम, आगे से आगे को अनुव्रत का काम गुरु तुलसी को करे प्रणाम। अनुव्रत का काम हम आगे से आगे अपन ये सोचे कि अपने परिवार में है तो दूसरे परिवार में, तीसरे परिवार में, जब तक अपने घर में अनुव्रत नहीं होगा तो अपन दूसरे को कहने का अधिकार भी नहीं रखते। कितनों का जीवन सींचा, कितनों का जीवन सींचा, कितनों को नशा सींचा, कितनों का जीवन सींचा, कितनों का नशा सींचा। अद्भुत अधिक्य है अनुव्रत का काम, अद्भुत अधिक्य है अनुव्रत का काम गुरुदेव को, गुरुदेव तुलसी को करे पढ़ा, गुरुदेव तुलसी को करे पढ़ा। कि गुरुदेव तुलसी ने अनेक अनेक योजना बनाई, अनेक अनेक नक्शा बनाए कि ये काम कैसे करना है। मेरा जन मेरा दर्शन है वो व्यक्ति पढ़ लेता है तो व्यक्ति अपने आप में गुरुदेव तुलसी जितना सोचा होगा कि अनुव्रत का काम करें कैसे कर रहे हैं और कहां तक अनुव्रत का नाम लेते गुरु तुलसी का नाम आ जाता है। उन्हें अनेक प्रकार की कल्पना के द्वारा जो आज काम हो रहा है अनुव्रत का, तो अपने जीवन में भी ऐसा ही करें। गहन चिंतन सृजनशीलता, गहन चिंतन सृजनशीलता, अनुव्रत में कला कुशलता, अनुव्रत में कला कुशलता। सिद्ध वचन है अनुव्रत का नाम, सिद्ध वचन है अनुव्रत का नाम गुरु तुलसी को करे पढ़ा, गुरु तुलसी को करे पढ़ा। अनुव्रत अनुशासना की महिमा, अनुव्रत अनुशासना की महिमा, क्या बताए व्रतों की गरिमा, क्या बताए व्रतों की गरिमा। स्मृति में रहता अनुव्रत का नाम, स्मृति में रहता अनुव्रत का नाम गुरु तुलसी को करे पढ़ा। उस कृपा से मानव बने श्रेष्ठ, उस कृपा से बने मानव बने श्रेष्ठ, बड़े निरंतर ऐसा आशीर्वाद, बड़े निरंतर ऐसा आशीर्वाद। मानस पठन में अनुव्रत का नाम, मानस पठन में अनुव्रत का नाम, निष्काम भाव से अनुव्रत का काम, निष्काम भाव से अनुव्रत का काम गुरु तुलसी को करे पढ़ा, गुरु तुलसी को करे पढ़ा। महिला मंडल अध्यक्ष साहब सरिता सुमाई अपने समय का विसर्जन कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। अब मुनिश्री तपोमूर्ति पृथ्वीराज स्वामी अपने प्रेरणा पात्र चिंतन में आया कि हमें कुछ काम करना है, तो क्या काम करना है उस विषय में सबसे पहले उन्होंने कई संदर्भ कई बातें सामने आई, कई चिंतन किए। उनमें सबसे पहला चिंतन रहा श्रावक समाज को क्या दिया जाए, श्रावक समाज को क्या दिया जाए, एक चिंतन ये किया है। दूसरा चिंतन आया समाज में जो रूढ़िया है, जो निरामन के लिए क्या किया जाए, रूढ़ियों पर, प्रथाओं पर, नशा पर, अनेक प्रकार की रूढ़िया हैं, उन पर उन्होंने चिंतन किया। तीसरी बात आई साधु साधियों के लिए हमें क्या, शिक्षा के संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए। चौथी बात उसके बाद में आई कि हमारे दीक्षार्थी भाई बहन तैयार होते हैं, उनके लिए शिक्षा के लिए, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे अनेक बिंदु उनके सामने आए और एक बिंदु ये भी आया उनके साथ साथ, अनुव्रत की बात है
तो अमृत का ज्ञान कैसे चलाया जाए या अमृत के बारे में चिंतन किया जाए, अमृत की एक अच्छी टीम तैयार की जाए। केवल काम काम करने से नहीं होता है, उससे पहले हमें एक लक्ष्य बनाना होता है, एक भूमिका बनानी होती है कि हमको ये काम करना है। उसके साथ में एक ये भी चिंतन आया समाज के लिए, हरिजनों की बस्ती में जाकर कार्यक्रम करना, ये इसके साथ में कितने कितने बिंदु उनके चिंतन में आए, उनमें से जो मैंने बिंदु बोले ये बिंदु उन्होंने प्राथमिकता दी और ये निर्णय किया कि ये कार्यक्रम उनको करना है। तो उस कार्यक्रम में हरिजनों की बस्ती में कार्यक्रम करना, व्यसन मुक्त का करना, पर्यावरण का करना, अमृत का करना, संस्कार निर्माण का करना, जीवन जीने की कला का करना, अनेक ऐसे उनके पास में बिंदु थे। तो आचार्य श्री तुलसी बड़े दूरदर्शी थे और उन्होंने एक संतों को बिना भूमिका बनाए हुए, मुनि सुपाष कुमार जी जो विद्यासर के थे, उन्होंने गुरुदेव ने उनको भेजा हरिद्वार की बस्ती में और प्रोग्राम किया। कब किया? आज से लगभग 74 ईयर्स पहले की बात है, 75-73 वर्ष के पहले की बात है। और ये महफिल नाटक की यहाँ पर चतुर्मास हुआ था, वो संत गए कार्यक्रम करके आए और उनके साथ में काफी काफी आया कि आज हमको महाराज ने टाल दिया और वहां पर कार्यक्रम किया हरिजनों की बस्ती में। यहाँ आए लोगों ने देखा ये क्या, सभी लोग आक्षेप के दर्शन किए, कई लोगों ने उसमें विरोध भी किया, विरोध ध्यान नहीं, घाट में भी कई विरोध किया गया था, रूढ़ियों पर प्रहार किया कि गंगा जी में फूल डालना है या आत्महत्या करना है या पर्दे का घूंघट का, ये सारे नियम और गुंडे तुलसी ने आज हमारे सामने बहने ऐसे बैठने वाली नहीं थी। जो बहने जिसका पति गुजर जाता वह कई वर्षों से घर में बैठे रहती और अपना मुंह नहीं बताती, भोजन भी करती तो पूरा क्या बोलते साड़ी को घूंघट में भोजन करती, किसी को मुंह नहीं बताती, हाथ भी नहीं बताती, हाथ भी ऐसे ढककर रहती थी। वो गुरुदेव तुलसी ने जो इस अनुरोध के माध्यम से जो परिवर्तन आया और इस अनुरोध के माध्यम से लोगों के जीवन जीने की कला का अवसर मिला, ये चापर गांव है। यहाँ पर चापर ने चापर फाड़ कर दिया वो शत्रुमा चुमोत्र का, आज बापू भाई हमको याद दिलाएगा, अवसर आने पर समय की सीमा होती है, हम अपनी मर्यादा में अनुशासन में जीना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा न बोलकर कहना चाहूंगा आपको, इस अवसर पर अनुव्रत किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, यह असंप्रदायिक है और यह किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। अनुव्रत एक ऐसा अभियान है, तुलसी बनारस की यात्रा पर पधारे, कलकत्ता की यात्रा पर पधारे, वहां पर उनका पटना में स्वागत किया गया और वहां पर डॉक्टर राजेंद्र उन्होंने कहा आचार्य जी आप इतना काफिला चल रहा है प्रचार कर रहे धर्म का, मगर संसार में अनेक कारखाने हैं, मगर एक कारखाने की आवश्यकता कैसे हो, व्यक्ति अच्छा जीवन कैसे जिए, ये कारखाने की आवश्यकता है। गुरुदेव तुलसी ने जैसे उनका अभियान पूरा हुआ और अभियान उनका कार्यक्रम चल ही रहा था, जैसे राष्ट्रपति मोदी बैठे और आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि ये कारखाने हमारे पास अभी, हम इसी का प्रचार कर रहे हैं कि व्यक्ति का निर्माण कैसे, व्यक्ति सुखी जीवन कैसे जी सकता है और व्यक्ति को जीने में जीवन विज्ञान भी काम करता है, अनुभव भी काम करता है, अहिंसा भी काम करता है, एक ही सिक्के के पहलू। हम इधर जीवन विज्ञान पर है,
स्वेच्छा ध्यान को लें या अमृत को लें, ये तीनों एक सिक्के के पहलू हैं। हम एक दो व्यक्ति अमृत को स्वीकार करेगा तो तीनों ही बातें उसके साथ में आएंगी। तो उन्होंने गुरुदेव का स्वागत किया और इस पर मनुष्य जीवन व्यक्ति के जीवन के निर्माण की बात उनके सामने आई और ये बहुत अच्छी बात हुई। इससे पूर्व मैं आपको कहना चाहूंगा, इस अवसर पर जब गुरुदेव तुलसी बालिका अवस्था लेकर 34 वर्ष की उम्र में जयपुर चतुर्मास था और उनके बाद में भाई जी महाराज की इच्छा थी दिल्ली चतुर्मास हो, कभी जैन शब्द दिल्ली गए नहीं, उसने दिल्ली जाने की बात, पहली बार दिल्ली जाने की बात और अनुमत का प्रचार करने की बात दिल्ली गए और वहां सबसे पहले डॉक्टर जाकिर राजेंद्र प्रसाद से मिले और उसके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिले और उन्होंने सारी जो भूमिका बताई वो अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण बात है। आज के दिन उसका एक इतना प्रधानमंत्री से बात हुआ तो उन्होंने कहा आप कैसे आए हो, आपको क्या चाहिए, क्या मांगने के लिए नहीं है। व्यक्ति के हमारे पास में अभियान है, जीवन विज्ञान का है, अनुमृत का है, प्रेक्षा ध्यान का है, अनुसार का है, इस प्रकार हमारे पास में कई उपक्रम है। तो उन्होंने बात सुनी और सुनने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम भी आपके साथ में हैं और हम आपके साथ में काम करेंगे। और राजेंद्र बाबू ने ध्यान तो कहा कि मैं भी आपके साथ में अमृत का अध्यक्ष नहीं, आपको तो अमृत को घर घर पहुंचाने का काम करना, अध्यक्ष कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक व्यवस्था है। आप जानते होंगे ये अलग 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 संस्था है, ये व्यवस्था की है, व्यवस्था है, एक व्यक्ति के नेतृत्व में अच्छा काम हो सकता है। जैसे प्रदीप भरण काम कर रहा है, इनकी टीम अच्छी है, मगर मुझे अभी लगता है इनको इस टीम को बनाने में और थोड़ा खपना पड़ेगा। क्यों खपना पड़ेगा, कि काम करना है, काम किसका, अरे बुद्धे तुलसी बधा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, हम किसी सभी संस्था एक ही संस्था है, चाहे प्रभात व्यवस्था हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे युवा परिषद हो, चाहे सभा हो, चाहे अंगत समिति हो, और हम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान देना। संस्था संस्था नहीं, संस्था काम हमारे साथ में करेगी और हम संस्था से जुड़े हुए हैं। कोई भी काम करना है तो हमको अपने गुरु का मान सम्मान बढ़ाने की बात और छापर का मान सम्मान कैसे बढ़े, ये सबसे पहली बात आती है। मेरे जो बोलना है वो तो अभी धरा लग गया है, अभी दूसरी बात की आ रही, कौन बोला रहा है, कहां से बात आ रही है, ये मुझे पता नहीं है। तो इस अवसर पर अनुभव के माध्यम से, जीवन विज्ञान के माध्यम से और पेशा धर्म के माध्यम से और अहिंसा के माध्यम से हम घर घर व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क, ये अमृत हमें सिखाता है। अमृत केवल व्यक्ति विशेष का नहीं, हर व्यक्ति व्यक्ति के घर घर व्यक्ति व्यक्ति के कण कण में अमृत बोलना चाहिए। अभी भाई गंगाराम जी कवि कहे प्रजापत कहे, ये दो नंबर की बात है, मूल धनराग धन धन, कौन सा धन, ज्ञान का धन भरा हुआ है, ये अपनी बात रखना चाहते थे, वो इतनी टाइम नहीं थी, उस टाइम को पूरा करने के लिए जल्दी बताया, नशा नाश का द्वार है, अरे नशा नर्क का द्वार है, नशा करने वाला व्यक्ति नर्क में जाता, नर्क बोले तो बड़ा दुखी होता है, नर्क का होता है दुखी होना। तो इस अवसर पर गंगाराम जी कहे अनुसार से पूर्व हमने ये चिंतन पहले विद्यालय में किया और विनोद नागर जी हमारे साथ में कई स्कूलों में गए, प्रदीप जी तो है, ये तो सर्वे सर्वा है, हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, ऐसे कर्म कार्यकर्ता जो हमारे साथ रहते, गुरुदेव तुलसी के साथ में
सुखकर्मी गोसाई नेमी चंद जी उनका नाम था, उसके नाम से प्रसिद्ध थे सरदार सर के थे कदैया जो उनको लल्लू नाम से बुलाया जाता था, लल्लू नाम से करते पूछना और उनकी पहुंच प्रधानमंत्री से लेकर नीचे झोपड़ी तक है कोई कहीं जाते उनकी बात मानते थे। और सुखकर्मी गोसाई ने मैं तो ये कह रहा था इस अवसर पर कि अक्षर तुलसी तो भाग में हुए मुनि तुलसी थे उस समय सुखकर्मी गोसाई का उनके साथ में तालमेल अच्छा था हर कार्यक्रम में उनके मार्गदर्शन में। और ये अनुव्रत का को ये 500 बातें ये छापर की बातें इसमें सुखकर्मी गोसाई का पूरा हाथ रहा। उन्होंने इस संघ को जो दिया है अनेक श्रावकों की टीम बड़ी तेज थी उनको समाज सेवी का अलंकरण दिया और अनेक समाज दूषण का अलंकरण दिया ये जो काम निस्वार्थ भाव से उन्होंने किया। तो उस समय की टीम पर मैं तो अभी चाहूंगा कि यहाँ की टीम और मजबूत बनेगी बनानी है और धनराज की प्रजा को तो कह रहा चाहूंगा आपको भी साथ रहकर अनेक ऐसे व्यक्तियों का नाम गाए ताकि हमारे अनुव्रत और दूसरी संस्थाएं चाहे महिला मंडल हो तो उनका भी जो भी काम हो तो मैं आज भी आपके साथ में तैयार हूँ चाहे महिला मंडल चाहे अनुव्रत चाहे महासभा प्रवास व्यवस्था मानव सिंह जी में कहना चाहूंगा कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है ये गुरुदेव का सपना ऑटोमेटिक सहजता में सरलता में 21-21 होगा समय होगा उसमें इसमें मैं दो ही बात नहीं जहाँ गुरु कृपा है गुरु दृष्टि है वहाँ सुख की सृष्टि है इस बात को नोट कर लेना गुरु से हम दूर न रहे गुरु से हम घबराए नहीं गुरु तो गुरु कौन होता है जो अंधकार को दूर करता है प्रकाश को ले जाता है वो गुरु त्यागी गुरु होता है। बाल ब्रह्मचारी और इस चापर की भूमि तपो भूमि हिरणों की भूमि और हम कहें द्रोणाचार्य की भूमि ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ हुए हैं और अभी महापुरुष शांति दूत युग प्रधान आचार्य मार्ग समझ जी भी आने वाले हैं अब ज्यादा टाइम बाकी नहीं रहा। तो हम जो भी आपके काम पड़े उस समय मेरे को आप आधी रात को भी याद करो तो मैं हर समय जाग सके और यहाँ 15 लाख को प्रजापति को भी बताया गया तो कोई भी व्यक्ति रात को और दिन में कभी आए तो ये दरवाजा खुला भवन खुला रहता है और इस भवन कभी भी आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। तो ये भी प्रणाम करा मैं भी प्रणाम करता मेरा सहयोग मिल रहा हूँ यंत्र है यंत्र भी प्रणाम तो इस बात में आपको कहना चाहूंगा प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व समझे। अब मेरे को भी थोड़ा सा पहले मैंने देखा कि आगे कोई दूसरी छात्री वाला आएगा सन वो संभालेगा अपन ज्यादा क्यों करे दायित्व बढ़ना का कारण कोई भी नीति को मंजूर करे सभी बहनें भाई ध्यान दे महिला मंडल अध्यक्ष करे वो काम करना है महिला मंडल अध्यक्ष महाराज करे वो काम करना है और अंगर समिति भी पृथ्वीराज के साथ में जुड़ी हुई है और प्रदीप भी कन्या राशि है और मैं भी कन्या राशि हूँ ये कम बड़ा नहीं है काम 2-12-25 होगा इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस अवसर पर मैं हमारे मीडिया प्रभारी ये गोपाल किशन भी बहुत तो अपना काम कर रहा है और ये पिंटू भी बंटी भी पिंटू भी ये नागा प्रदीप का कह ऐसे अध्यक्ष हमको और लाना है काम करने वाला मेरा एक सूत्र रहा है जो व्यक्ति काम करता है वो अध्यक्ष अध्यक्ष को काम से अस्पष्ट हो या व्यस्त रहे कारण से इच्छा समझ न कर पाए तो हमने हमेशा से जो काम करता है सुबह सुबह प्रोग्राम भी प्रोग्राम तो अभी हमको एक बार और कहना चाहूंगा कि अभी गुच्छा देवी ने कहा और डॉक्टर ने कहा कि नशा मुक्त का या अनुव्रत का कार्यक्रम की बात अनुव्रत केवल स्कूल में नहीं अगर आज नहीं आज 74 साल पहले गोपाल किशन को कहना चाहूंगा किशन गोपाल या गोपाल किशन और उस समय के जो मीडिया प्रभारी 74 साल पहले जयपुर में दिल्ली में जो गुरुदेव तुलसी को कितना आगे बढ़ाया और उन पत्रकारों ने कहा कि एक
युवक आया, छोटा सा ठीकना सा युवक संत है और वो देश को बचाना चाहता है और देश को नहीं पूरे संसार को बचाना चाहता है। ऐसे पत्रकारों ने ऐसी उस अनुमन की गूंज उठाई। इतिहास हमारा साक्षी है, आज भी हमारा इतिहास साक्षी है। वो गोपी किशन के नाम गोपी धाम नहीं दिख रहे हैं, वो जल्दी चले जाते हैं, उनका काम हो गया। तो इस अवसर पर आपको विशेष ध्यान देना है, जो हमारे पत्रकार बंधु है वो भी हमारे सहयोगी बनते हैं इस प्रचार प्रचार में। और गुरुदेव का सपना ऐसा हो, नवीनता हो, नए नए कार्य हो, नए नए चिंतन हो, नए नए काम से हमारा काम अच्छा बन सकता है। गुरुदेव तुलसी ने वो मेरी दीक्षा प्रदाता मुझको दीक्षा देने वाले वही थे। आपके पास में यहाँ पर मेरा प्रतिक्रमण का आदेश तो होगा ऐसा याद है यहाँ सारा। और दीक्षा विद्यासन हुई थी लगभग 30 साल पहले की बात दीक्षा हुई। और मैं उनको भी आज प्रणाम कर रहा हूँ कि वो तुलसी थे तो मेरी दीक्षा हुई, अगर तुलसी नहीं होते तो मेरी दीक्षा होती भी नहीं। अब आपको ऐसी क्या बात है, सैकड़ों दीक्षा हो रही है, सैकड़ों दीक्षा हुई है, मगर ये कोई ऐसा कोई जीव होता है, ये जीव का बड़ा क्या कहते हैं जन्म जन्मों का होता है। तो ये कवि ने ठीक कहा है, जीवरा तुम तो पर जो है
मिले और जीवन का कल्याण करे। पर इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मगन का नाम क्यों आया, मगन के साथ एक छगन की भी जोड़ी, ये प्रवचन है छगन और मगन की जोड़ी है। तो ये भी एक पुरानी बात है, अवसर आएगा बताइए भाई बहन आप तल्लीनता के साथ में अपना समय दिया, ये बड़ी बात मानता हूँ। क्यों समय थोड़ा हो जाता है, कोई भी कार्यक्रम करें हर व्यक्ति के बोलने की इच्छा होती है, मगर मेरी इच्छा तभी भी मैंने प्रवचन शुरू भी नहीं किया है कि आज अनुव्रत का काम है, तो अनुव्रत का भी काम धरा रह गया। और अब थोड़ा उसमें कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं घबराएं नहीं, ये प्रवचन कल से प्रारंभ हो गया है तो सभी लोग भाग लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा अनुव्रत की बात बताना चाहूँगा कि गुरुदेव कुलसी ने आज से चिमोत्तरवत पूर्व क्या क्या अभियान किया था, क्या क्या नियम किए थे, अनुव्रत के 84 नियम किए थे, 83 या 84 नियम थे, उनको करते करते 11 नियम पर आए। 11 नियम अलग है, इसमें शिक्षकों के अलग है, विद्यार्थियों के अलग है, व्यापारियों के अलग है, और शिक्षकों के और राजनेताओं के और व्यापार की बात में अनेक प्रकार के उन्होंने से छात्रों के भी बनाए। और इसमें सारी बातें आ गई, व्यसन मुक्ति की आ गई, पर्यावरण की आ गई, अहिंसा की आ गई, और जीवन ज्ञान की भी आ गई, और इसमें अनेक बिंदु और भी अनुभव की बात भी है। तो इस अवसर पर मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ इतना आपको कहना चाहूँगा कि गुरुदेव तुलसी का सप्रमा सफल हुआ। उनको तो कितना कितना संघर्ष झेलना पड़ा था उस समय, एक साथ में 15-20 साधु कितने एक साथ अलग हो गए थे, अलग होने की सोची थी, फिर भी उनकी पुण्य प्रबल थी, भाग्य प्रबल था। आचार्य तुलसी छोटी उम्र के थे, ये भी हमारे मगनदास जी है, मगन जी है, मगन सिंह है, मगर हमारे मंत्री हुए मगन मंत्री स्वामी, वे बड़े अनुभवी थे और गुरुदेव भी उनकी बात को मानते थे, मगन जी की बात को मानकर काम करते थे। और मैं भी इनकी बात मानता हूँ, जो भी मेरे को बताते हैं मैं इनकी बात को ध्यान देता हूँ, तो अब ये भी मेरी बात को ध्यान देंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस अवसर पर श्रावक समाज कोई को कहना मौका न मिले, कोई नेगेटिव चिंतन करेंगे, नेगेटिव चिंतन करने से वो अपनी आत्मा का पतन करता है, ये भी ध्यान देना। जो नेगेटिव चिंतन करता है या किसी की बुराई करता है, किसी उत्तर की बात करता है, वो स्वयं का पतन होता है। तो हम अब गुरुदेव तुलसी का सप्तमास सफल हुआ, जैसे हमारे को आचार्य नाथ स्वामी जी का सप्तमास सफल तो ही, क्यों उनके पुण्य ही प्रबल है, मूल बात पुण्य, कहाँ नेपाल का, भूटान का, भारत पूरे देश का, विदेशों का, और पत्रकार बंधुओं ने ध्यान रखा कि ये तो पूरे संसार को सुधारने में लगे हुए, अरे संसार नहीं पूरा भारत तो है, पूरे संसार को देश विदेशों में भी आज अनुभव की गूंज है। तो इस अवसर पर मैं अब ये कहना चाहूँगा कि प्रदीप जी को विशेष कहना चाहूँगा, मगन जी को कहना चाहूँगा, मानक उत्सव को भी कहना चाहूँगा, ये जनरल मानक साहब जो जनरल होता है, जनरल का मतलब मुखिया, बात को समझे सबको नहीं पकड़ते, तो जो कहे वो काम हमको सिरोधारी, हमने कभी आचार्य जी का पत्र आता हमारे पास में हम डायरेक्ट उसको सिरोधारी कर देते हैं, और फिर उसमें जो बताई बात होती है उनको बता दे ये स्थिति है जिससे आप प्रोग्रेशन को मानते। तो मैं तो ऐसे मानता हूँ सफल सफल दो बार गुरुदेव ने हमको मौका दिया और अच्छा कार्यक्रम किया, लोगों में इतनी प्रशंसा रही, और अभी भी व्यवस्था की दृष्टि से मार्ग से अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय आने पर एक काम करने वाला व्यक्ति एक होता है, उनके साथ में टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रदीप कहे विनोद के मैं भी अध्यक्ष हूँ, शोभा के मैं ही अध्यक्ष हूँ, तो काम चलेगा नहीं।
जो ये कहेगा इनकी बात को ध्यान देंगे तो वो बुहारी होती है बुहारी। अगर बुहारी का तिनका बिखर जाते हैं तो उससे झाड़ू निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो बुहारी को मजबूत करने के तिरने बिखर भी जाते हैं उनको वापस साथ में जोड़ने के झाड़ू दिखा के सुविधा रहती है। तो इस अवसर पर मैं जाकर बुद्धि तुलसी है उनको प्रणाम करता हुआ और आज अध्यक्ष माँ समय जी की दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हुआ कि आपका यात्रा सुखमय हो अच्छी हो इसी भावना के साथ वो मारे एक मिनट आपकी का समय विकास बोलने वाले के लिए उनकी भावना प्रबल है स्वर इनका काम नहीं कर रहा है कम कर रहा है इसलिए अपने समय को विशेष नहीं कर रहे। एक मिनट का समय लूंगा सर। हमारे बीच धन्नाराम जी प्रजापत करके आ गए हैं और अनवर डायरी भेंट करके सम्मान करेंगे श्रीमती शोभा जोशी श्रीमती राजू देवी नाटा श्रीमती हेमलता दुदोरिया मगन सिंह जी दुदोरिया प्रेमी गोदारा मानक सिंह जी बुच्चा साहब से निवेदन तीनों आप नानकराम जी तापड़िया को डायरी भेंट कर सम्मान करें। श्री बजरंग शर्मा कृपया आ गया है। धनराम जी और ये बजरंग जी हमारे अनुरोध से इनको आगे कैसे बढ़ाएंगे वो बात आपके सम्मान के लिए समिति के इस कार्यक्रम में छापर से अभी नई नई जुड़ी है। आप जानते हैं कौन नई नई जुड़ी है। स्वागत के लिए निवेदन करूंगा श्रीमती सरोज भंसाली श्रीमती सपना देवी बाग बेद के अनवर डायरी देकर के इनका सम्मान करें। श्रीकार कृपया आगे आए आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री गजराज जी दुदोरिया मुनिश्री ने बताया कि मैंने अपना प्रवचन नहीं दे पाया दूसरे विषय से रह गया। मैं एक बात याद करना चाह रहा हूँ कि 2005 के चतुर्मास में या छापर के आचार्य तुलसी के अनवरत आंदोलन में सहयोगी रहे साधक श्री भवनलाल जी मुंडड़ा जिनका मुनिश्री आपको विदित करवा दूँ। अभी तो स्टेडियम का जीर्णोद्धार आचार्य चतुर्मास व्यवस्था समिति ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है वो स्टेडियम उन्हीं की देन है। वो सर्वोदय भवन समिति सर्वोदय सेवा समिति आचार्य अड़गुणी मेमोरियल समिति उनका उद्यम है। उनका थोड़ा कार्यक्रम चल रहा है लेकिन उनके सर्वाशीर्वाद में कुछ शीतलन हुआ है। धन्नाराम जी नानक राम जी बजरंग भाई जी ये सभी उनके सहयोगी रहे हुए हैं। मैं भी राव वो एक छापर के 2005 के चतुर्मास में अनवर सेवी के संबोधन से एक ही व्यक्ति छापर का अलंकरण प्राप्त गुरुदेव से हैं वो है साधक श्री भवनलाल मुंडड़ा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हनुमत और आज सभी आए हुए को सभी को अनवर समिति की तरफ से और संघीय संस्थाओं की तरफ से हार्दिक साधुवाद। समय समय पर जैसे सूचनाएं मिले अपने आपस में डायवर्ट सूचनाएं करते हुए समय समय पर पधारे इसी आशा और विश्वास के साथ जय अनवर जय जी। नहीं हमने नशा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया है आज तो मुनिश्री से निवेदन करूंगा पहचान करके मंगल पाठ सुनेंगे। इसके साथ ही मेरा निवेदन मुनिश्री से सुनाइए मंगल पाठ की बात चल रही है या हर मोहल्ले में कार्यक्रम होगा स्कूल में भी होगा व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क भी होगा यह हमें पूरे विश्वास है और सभी लोग इसमें आत्मीयता से जुड़ेंगे ऐसा विश्वास है। और जो अनुवृत्ति अध्यक्ष हो मंत्री हो कोई पण हो इसमें व्यसन मुक्त होना चाहिए व्यसन मुक्त आज पक्की है चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाकु मंगलम केवी पंडतो धमो मंगलम चत्तार भगत मा अरहंता भगत मा सिद्धा भगत मा
Oh.